तो टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स, और पहला फॉर्मूला स्नेल्स लॉ। अब हमें पढ़ना आ गया कैसे साइन आई बाई साइन आर टू म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, म्यू का फॉर्मूला हमें पता है, और म्यू का फॉर्मूला सी बाई वी मालूम है। इसने म्यू का एक और फॉर्मूला बना रखा है, वो क्या, लैम्डा बाई लैम्डा डैश। ये करना है कर लो, नहीं करना कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो। म्यू क्या होता है, सी अपॉन वी। म्यू इज इक्वल टू सी क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा, और न्यू इंटू लैम्डा डैश फ्रीक्वेंसी वेव की कभी चेंज नहीं होती जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो न्यू की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना। तो म्यू का सेकेंड फॉर्मूला वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन मीडियम, और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू। हम रिजल्ट कर चुके हैं, क्या किया था हमने कि अगर हम किसी और मीडियम में चले जाते हैं, अगर मीडियम चेंज करते हैं तो वेवलेंथ हमेशा रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है बाय फैक्टर ऑफ म्यू, तो लैम्डा बाई म्यू हो जाती है। तो नहीं याद तो बना लेना, याद है तो अच्छी बात है, क्लियर है ये फॉर्मूला। ठीक, तो ऑप्टिकल पाथ कर चुके, वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, म्यू इंटू पाथ इन मीडियम, ये भी हमने कर लिया, राइट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, वो इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन अ ग्लास सरफेस, ग्लास के अंदर जाएगी। व्हाट आर दी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्शन कहाँ पर होगी, ग्लास में, क्योंकि एंट्री कहाँ पर हो रही है लाइट की, ग्लास में। तो न्यू क्या होगा, सी बाय लैम्डा, लैम्डा गिवन है, सी गिवन है, तो आ गया फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर नेक्स्ट क्या पार्ट है, स्पीड, स्पीड क्या होती है, देखो जो म्यू होता है वो क्या होता है, सी अपॉन वी, वी किस में, ग्लास में, तो वी ग्लास में क्या होगा, सी अपॉन म्यू। तो सी आपको पता है, म्यू आपको पता है, यहाँ से सॉल्व करके आंसर। तो क्या ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव रे आ गई, तो फ्रीक्वेंसी आ गई, स्पीड आ गई, और क्या निकालना है इसमें, और मुझे निकालना है इसमें लैम्डा क्या होगा ग्लास में। अब लैम्डा जो मुझे गिवन था, मुझे इस क्वेश्चन में जो लैम्डा गिवन है वो किस में गिवन है, ये मुझे एयर में गिवन है, एयर में गिवन था, पर मुझे किस में निकालना है, ग्लास में निकालना है। तो मेरे पास एक तरीका बड़ा सिंपल है, मैं इसको 1.5 से डिवाइड कर देता हूँ, आंसर कुछ करने की जरूरत क्या है, जो भी वैक्यूम या एयर के अंदर लैम्डा है उसको 1.5 से डिवाइड करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कैसे सोचना है इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड गिवन है, म्यू डायमंड गिवन है, एंड विंडो ग्लास ग्लास का भी गिवन है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। हाउ मच फास्ट डज लाइट ट्रेवल इन विंडो ग्लास देन इन डायमंड, यानी कि स्पीड निकालनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम पहला क्या है डायमंड, तो म्यू डायमंड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, डायमंड की वेलोसिटी आ गई। ऐसी किसकी आएगी, ग्लास की वेलोसिटी आएगी, तो सी को म्यू जी से डिवाइड कर दिया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, डायमंड का गिवन है, तो क्या जाएगा, स्पीड डायमंड में, स्पीड ग्लास में, दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा कितना डिफरेंस ऑफ स्पीड है। तो समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है आपको इसमें, तो म्यू से स्पीड कैसे निकलेगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको बताना है, टाइम बताना है, विच लाइट विल टेक टू ट्रेवल नॉर्मली, स्ट्रेट में जाएगी लाइट थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 mm, तो 1 mm डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपको 1 mm गिवन है, 10^-3 गिवन है, स्पीड निकाल लेते हैं मीडियम में क्या होगी, और स्पीड निकालने का तरीका आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी, सी को म्यू से डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगी, स्पीड और डिस्टेंस आ गया टाइम आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है ये म्यू के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ्स बिटवीन 400-700 नैनोमीटर, तो लैम्डा 2 गिवन है, एक लो और एक हाई, तो रेंज गिवन है लैम्डा की। व्हाट विल बी दी वेवलेंथ रेंज, अगर लाइट वाटर में एंटर कर जाती है, तो पहले आपको लैम्डा 400 गिवन है, उसको वाटर के म्यू से डिवाइड करके लैम्डा वाटर में आ गया, फिर आपको लैम्डा 700 एयर में गिवन है, इसको म्यू से डिवाइड करके लैम्डा वाटर में आ गया,
तो एयर में दो वेवलेंथ है, वाटर में दो वेवलेंथ आ गई, आंसर ये रेंज आ गई वाटर में, आंसर ये भी क्लियर है यहां तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन है, द ऑप्टिकल पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज सेम इफ इट ट्रेवल्स 2 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ ग्लास और 2.25 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वाटर। ऑप्टिकल पाथ वैक्यूम में सेम आएगा, अगर लाइट को इतने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ग्लास में ट्रेवल करवा लो या 2.25 सेंटीमीटर वाटर में करवा दो, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ग्लास का निकालना है। एक काम करते हैं, वैक्यूम इक्विवेलेंट तो सेम है ना, चाहे वाटर में घुमाएं लाइट को चाहे ग्लास में, तो एक काम करते हैं ग्लास के अंदर ऑप्टिकल पाथ निकालते हैं, वैक्यूम इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है और ग्लास में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2, तो वैक्यूम में कितना ट्रेवल करेगी म्यू जी इनटू 2। ऐसी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.25 है और वाटर की अंदर सॉरी डिस्टेंस कितना है 2.25 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, तो वैक्यूम में कितना ट्रेवल करेगी म्यू इनटू डिस्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि वैक्यूम में जो ऑप्टिकल पाथ है वो दोनों का एग्जैक्टली सेम है, इक्वेट करके आंसर आ गया। तो दो मीडियम में डिस्टेंसेस गिवन है, उसका वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल लिया और वैक्यूम इक्विवेलेंट वगैरह सेम है, तो वैक्यूम के अंदर पाथ निकाल दिया म्यू इनटू डेंसर मीडियम, म्यू इनटू डेंसर मीडियम इक्वेट करके आंसर आ गया। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एक निकालना है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कैसे सोचना है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना, नंबर ऑफ वेव इन 4 सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप ऑफ ग्लास इज सेम एज इन 5 सेंटीमीटर थिक वाटर लेयर। ये नंबर ऑफ वेव कैसे निकलती हैं, इस बात को समझ लो। देखो सपोज करो एक स्ट्रिप है या वाटर लेयर है, डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस टी है या 4 सेंटीमीटर ले लो, चलो मान लो 4 सेंटीमीटर है। इसमें वेव्स कितनी फिट इन होंगी, एक वेव की लेंथ क्या होती है लैम्डा, तो नंबर ऑफ वेव्स क्या आएंगी 4/λ। तो नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगी, जितना टोटल डिस्टेंस है उसको एक वेव की वेवलेंथ से क्या कर देना है डिवाइड, सही है। यहां तक नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। वो क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, नंबर ऑफ वेव्स जो 4 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ ग्लास में आएंगी, कितनी आएंगी ग्लास में नंबर ऑफ वेव्स 4 सेंटीमीटर को ग्लास के अंदर वेवलेंथ से क्या कर दिया डिवाइड, नंबर ऑफ वेव्स आ गई। इस सेम, वो कह रहे सेम है नंबर ऑफ वेव्स, सेम है किसके साथ, सेम है 5 सेंटीमीटर वाटर लेयर, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, अब वाटर के अंदर वेवलेंथ लाइट की क्या हो जाएगी चेंज लैम्डा वाटर, तो नंबर ऑफ वेव वाटर में आ गई, तो नंबर ऑफ वेव्स किस में आ गई ग्लास में आ गई, नंबर ऑफ वेव वाटर में आ गई। वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वेव दोनों में एग्जैक्टली सेम है, 4 सेंटीमीटर ऑफ ग्लास ले लो या 5 सेंटीमीटर वाटर ले लो, क्योंकि लैम्डा चेंज हो गया तो नंबर ऑफ वेव सेम है, इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो इन्हें इक्वेट कर लें, इक्वेट करके लैम्डा की क्या आ गई रेशियो, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, रेशियो आ गई। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है तो ग्लास का क्या होगा, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है 4/3, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है ग्लास का निकालना है, तो आपको किसकी रेशियो पता है लैम्डा की रेशियो पता है।
अब एक ना रिजल्ट करेंगे हम, एक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट हमने किया भी होगा शायद, मुझे याद नहीं है क्या, कि अगर सपोज करो मीडियम वैक्यूम है और मीडियम कोई भी और मीडियम है, तो वैक्यूम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, सी अपॉन वी है, सी अपॉन वी है, और किसी और मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, सी अपॉन अगेन वी है, फॉर्मूला तो वही रहेगा इसमें भी, बस फर्क ये है कि जैसे इसके अंदर मैं मीडियम का नाम दे देता हूँ, जैसे मीडियम का नाम यहाँ पर ग्लास कर देता हूँ, चलो तो एक मीडियम वैक्यूम है और एक मीडियम ग्लास है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं ग्लास, तो ये भी क्या लिख लेते हैं, ग्लास, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे पता है कि C क्या होता है, न्यू इंटू लैमडा इन वैक्यूम, और या एक और भी काम कर सकते हैं, इसको ना वैक्यूम की जगह मीडियम चेंज कर रहा हूँ मैं, इसमें मीडियम में वाटर ले रहा हूँ, और आसान हो जाएगा आपके लिए, तो ये वाटर है, ये वाटर है, राइट, तो न्यू इंटू लैमडा इन वाटर, ये स्टेप क्लियर है, सही है, एक मीडियम वाटर ले लिया, तो यहाँ से न्यू कैंसिल, तो क्या आ गया, लैमडा इन वैक्यूम अपॉन लैमडा इन वाटर, इक्वेशन नंबर वन, न्यू वाटर आ गया। उसी तरीके से इसमें भी यही कर सकते हैं, न्यू इंटू लैमडा अपॉन न्यू इंटू लैमडा ग्लास, ये कैंसिल, तो क्या आ गया, लैमडा अपॉन लैमडा ग्लास, क्या ये स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई वाटर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें आ गया ग्लास में, काम करते हैं इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास विल बी इक्वल टू लैमडा ग्लास बाय लैमडा वाटर, करके देख लो, ऐसे ही आ रहा है, चेक करो, यही आएगा, मैंने देखा भी नहीं वहां पे, क्योंकि मेरे को रिजल्ट याद है, क्या याद है कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैमडा, तो आपके पास अगर दो मीडियम होंगे तो आपको इतना बड़ा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा रिजल्ट लगाओ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लैमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इससे अगर मैं इसी चीज को, इस रिजल्ट को अपने न्यूमेरिकल में लगाऊं तो इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को, क्यों, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन में क्या निकाल चुका हूं, लैमडा ग्लास एंड लैमडा वाटर, इसकी रेशियो में निकाल चुका हूं, कितनी थी, 4/5, म्यू की रेशियो निकालूं, उल्टा म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास, ये लो आंसर, तो सीधा एक ही स्टेप में आंसर आ गया, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कर दिया इसमें, म्यू कर दिया, तो ये देखो यही किया इसने भी, एक ही स्टेप में लैम्डा की रेशियो आ गई, तो ग्लास ग्लास वाटर वाटर इन्वर्सली, तो यहाँ से ग्लास और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, आपको इसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और वाटर का गिवन है आंसर, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो है शीट में कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, पर क्योंकि ये यूज होती रहेंगी आगे तो ये करनी ज़रूरी है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस होगी, पता होगा म्यू का लैम्डा का म्यू का वेलोसिटी का क्या लेना देना है, तो आपके न्यूमेरिकल उतने फास्ट हो जाएंगे, तो आपको इस स्टेप पे सोचना पड़ेगा आगे, अगले स्टेप में, अगली शीट में, कि क्या रिलेशन था म्यू का और लैम्डा का, तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें, the absolute refractive index of air is, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज गिवन 1.0003 एंड वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इन वैक्यूम इज गिवन। अब देखो ना, मैंने आपको कहा कि न्यूमेरिकल्स में एयर और वैक्यूम ऑलमोस्ट एक ही बात है, इंटरचेंज करता रहेगा, इसमें एक बात नहीं है, क्योंकि वैक्यूम का वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का उसने 1 नहीं लिया, 1.003 डेंसर लिया उसने, तो इस स्पेशली ओनली इस न्यूमेरिकल में एयर और वैक्यूम डिफरेंट है, तो कह रहा है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा और येलो लाइट की वैक्यूम में वेवलेंथ इतनी है, वैक्यूम में इतनी है, फाइंड थिकनेस ऑफ एयर कॉलम विच विल कंटेन वन मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट देन इन द सेम थिकनेस ऑफ वैक्यूम।
अब देखो ना, वो कह रहा है कि एयर कॉलम वैक्यूम, एयर वैक्यूम, एयर वैक्यूम, बार बार इंटरचेंज करे जा रहा है, आधा काम एयर में दे रहा है, आधा वैक्यूम में, दो मीडियम्स हैं। तो एक पॉइंट को समझो, इजी लैंग्वेज में ये कह रहा है कि मेरे पास दो मीडियम है, पहला मीडियम क्या है वैक्यूम, दूसरा मीडियम क्या है एयर। वैक्यूम में लैम्डा आपको गिवन है 6000, एयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। हमने शॉर्टकट किया, अगर हम मीडियम चेंज करते हैं वैक्यूम से कोई भी मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ 1/μ हो जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आप एयर में क्या निकाल सकते हो, इसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो, और यही इसने किया। तो इसने जो आपको वैक्यूम है उसमें वेवलेंथ गिवन है, एयर के अंदर वेवलेंथ निकाल ली। ये स्टेप क्लियर है? अब आपके पास दो दो वेवलेंथ पता लगी आपको, वैक्यूम में अलग और एयर में अलग। कोई डाउट इसमें? दो वेवलेंथ आ गई। अब वो क्या कह रहे हैं, आपको इसमें थिकनेस निकालनी है एयर कॉलम की, जो कि एक वेव ज्यादा क्रिएट करेगा वैक्यूम से। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक पॉइंट को समझो, मान लो एयर कॉलम की थिकनेस टी है, और एक वेव ज्यादा का मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड है नंबर ऑफ वेव्स पे। नंबर ऑफ वेव कैसे निकलेंगी? सपोज आपका मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम में लैम्डा की वैल्यू ये रही, तो अगर मैं वैक्यूम में लैम्डा मुझे पता है तो नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगी, टी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो वैक्यूम में नंबर ऑफ वेव्स आ गई। कोई डाउट इसमें? नंबर ऑफ वेव ऐसे नहीं है ना, मान लो टी थिकनेस है एयर कॉलम की जिसके अंदर नंबर ऑफ वेव फिट इन करनी है, तो एयर कॉलम की जो भी लेंथ है मान लो टी मान ली, उसको लैम्डा से डिवाइड कर दिया वैक्यूम, तो वैक्यूम में नंबर ऑफ वेव्स आ गई। सिमिलरली टी रिमेनिंग दी सेम, अब मीडियम क्या कर दिया एयर, एयर के अंदर नंबर ऑफ वेव्स अगर निकालनी है तो टी को किससे डिवाइड करना है, लैम्डा डैश से, नंबर ऑफ वेव्स आ गई। क्लियर है यहां तक? अब वो ये कह रहे हैं वैक्यूम में लैम्डा ये था और लैम्डा की वैल्यू एयर में इतनी है, कम हुई कि ज्यादा हुई? इस एयर में कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया ना, 6000 को 1. समथिंग डिवाइड कर रहे हैं, कम हो गई। तो लैम्डा जब कम हो गया तो नंबर ऑफ वेव इसमें क्या बनेगी, ज्यादा। वो कह रहे कितनी ज्यादा बननी चाहिए, वन मोर। उसने कहा वन मोर, एक ज्यादा बननी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है वन मोर, एक ज्यादा। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आप मीडियम चेंज करते हो वैक्यूम से एयर तो नंबर ऑफ वेव एक ज्यादा बनती है, तो बताओ टी कितना है। तो एक काम करते हैं, दो केस बना लेते हैं। पहला केस वैक्यूम, वैक्यूम में नंबर ऑफ वेव कितनी है, टी अपॉन 6000, और एयर के अंदर नंबर ऑफ वेव कितनी है, एन नहीं है, एन प्लस वन, और लैम्डा नहीं है, लैम्डा डैश। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें तो टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, सॉल्व करके एन आ गया, एन आ गया तो टी कैन बी कैलकुलेटेड। पर फिर से इसमें ये गिवन है कि जैसे सपोज करो वो कह रहे हैं कि थिकनेस ऑफ एयर कॉलम निकाल लो आप, ये एयर कॉलम है, इसकी थिकनेस निकालनी है आपको, ठीक है, टी थिकनेस है। तो पहला मीडियम इसमें क्या है, वैक्यूम जिसमें वेवलेंथ लैम्डा, दूसरा मीडियम क्या है, एयर जिसमें वेवलेंथ लैम्डा डैश। तो नंबर ऑफ वेव्स वैक्यूम में मान लो कितनी बनी, एन, टी बाई कितना, लैम्डा। एयर में नंबर ऑफ वेव कह रहे वन मोर बननी चाहिए, तो एन प्लस वन इज इक्वल टू टी बाय, बस मैं कह रहा हूँ डिवाइड कर लो, डिवाइड करके टी से टी कैंसिल, लैम्डा डैश आपको पता है, तो वहां से क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन आ गया तो किसी भी इक्वेशन पुट करके टी कैन बी कैलकुलेट। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, इसमें नंबर ऑफ वेव्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ठीक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक, तो फिर ये क्या है आपके लिए? हाँ बहुत बढ़िया है, होमवर्क लिखो, ये होमवर्क ये करने आपने ट्राई, ठीक है, इसे प्रैक्टिस होगी।